है कि आप सबकी समझ में आ गया होगा। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे लास्ट ट्यूटोरियल नहीं पढ़े हैं तो वो उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपका इंट्रो मजबूत होगा तो आप आगे उसको अच्छे से समझ सकते हैं। और ये सोचिए कि अगर आपकी डेफिनेशन समझ में आ गई तो फिर आप एचआर को आधा समझ गए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ एचआर। फीचर्स मतलब विशेषताएं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्या क्या विशेषताएं हैं। सेकेंड वन इज इम्पॉर्टेंस ऑफ एचआर, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या महत्व है। थर्ड वन इज स्कोप ऑफ एचआर, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ किस किस सीमा में यह काम कर सकता है। फोर्थ वन इज मिसकंसेप्शंस अबाउट एचआर, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर के क्या क्या भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। हर चीज़ को लेकर के मिसकंसेप्शंस होते हैं, तो एचआरएम भी इससे अछूता नहीं है। आगे हम अपने लेक्चर्स में इनको डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे।